दोस्तों आज हमारे पास है 2023 मॉडल TVS की अपाची 160 जो कि 2E मॉडल है। आज हम जानने वाले इसके बारे में क्या क्या आपको अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, साथ में सारे स्पेक्स फीचर आपको डिटेल से बताने हैं, समझाने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस एंड वेरिएंट की। तो वेरिएंट आपको एक ही देखने को मिलने वाला है, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, कम से कम आपको 8 या 9 कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास व्हाइट कलर है। इसकी ऑनरोड प्राइस मुंबई की आपको पड़ने वाली है 1,52,000 रुपये विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर के साथ में। और इस शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। अगर इस बाइक का फाइनेंस डिटेल जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको अपने स्टेट की ऑनरोड प्राइस जानना है तो वो भी आपको बता दूंगा कमेंट में। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। हेडलाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग लिखी हुई मिल जाएगी LED टेक, एंड TVS का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट कुछ ऐसे दिखने वाले, DRL भी आपको LED मिल जाते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये रहे DRL। जब ये रात के समय बाइक निकलती है देखने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके DRL। और ऐसी कुछ विंडशील्ड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग का मार्क देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और एक प्राउड मोमेंट फील होता है। और साइड फेयरिंग यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की मतलब हेडलाइट वाइजर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। इंडिकेटर की बात करें तो आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं। हैंडल बार आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिखने वाला है। ये मिरर आपको सिंपल सा ऐसा कुछ मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो मडगार्ड पे आपको स्टिकर वर्क देखने को मिलने वाला है सिल्वर एंड रेड कलर के साथ में। ये फाइबर के साथ में आएगा मडगार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब आपको सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलने वाला है। तो बाकी पहले हम टायर की बात कर लेते हैं, आपको TVS का टायर मिल जाएगा। टायर साइज आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला 90x90 सेक्शन का। व्हील आपको एलॉय व्हील मिलने वाली है जिसके ऊपर आपको रेड कलर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। 17 इंच की एलॉय व्हील मिल जाएगी। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट एरिया दोनों में देखने को मिलने वाला है। सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। ब्रेक कैलिपर आपको गोल्डन कलर के मिलने वाले हैं। सो ये रहा इसका फ्रंट टायर एंड सस्पेंशन के डिटेल। अभी हम बात कर लेते हैं रियर टायर एंड सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन आप देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। रियर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर टाइप आपको सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। एंड टायर की बात करें थोड़ा सा आपको वाइड देखने को मिल जाएगा अगर आप फ्रंट से कंपेयर करते हो तो। और टायर साइज नहीं मिल रहे हैं, टायर साइज ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है यार। यहाँ पे टायर साइज लिखा हुआ मिल जाएगा 110x80 की मिलने वाली है। व्हील साइज आपको 17 इंच की मिल जाएगी एलॉय व्हील। डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाला है गोल्डन कलर के ब्रेक कैल पर और ऊपर से कवर भी किया है दोस्तों। और सिंगल चैनल ABS तो आपको मिलता है। साइलेंसर आप देखो काफ़ी बड़ा सा आपको मिलने वाला है। RTR की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, पूरा मेटल का है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये रहा इसका पिनियन राइडर फुटेज जो कि फोल्डेबल है, मुझे लगता है रखे ये थोड़ा जाम हो गया है। सो ऐसा कुछ रहेगा, ये भी मेटल का आपको मिल जाता है। एंड सीट काउंट देखो कितना प्यारा सा आपको स्टिकर देखने को मिलने वाला है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे फिनिश देखो, ये पूरा एरिया आपको कार्बन फाइबर फेस के टेक्चर से देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अपाची की ब्रांडिंग, यहाँ से आपको की से एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको सेम टेक्चर मिल जाएगा। राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड आपको अच्छी खासी ग्रिप मिलने वाली है। और इंजन की भी हम बात कर लेते हैं, इंजन आपको 160cc का मिल जाता है जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 2 वाल्व, एयर कूल FI और साथ में आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो आपको 16 PS की पावर मिल जाती है एंड टॉर्क आपको मिलने वाला 14 Nm की। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इंजन काउल बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है, ऐसा कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर मिल जाएगा लेग गार्ड, ऐसा कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर देखो इसका टैंक काउल कितना स्टाइलिश बनाया गया, एकदम स्पोर्टी बाइक वाली फील आ रही है इधर से। कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। ये है स्टिकर, काफ़ी खूबसूरत सा रेड वाइट, ये आपका ग्रे, लाइट ग्रे, रेड यहाँ पे मिल जाएगा। एंड TVS रेसिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये एक्चुअली आपको फाइबर का मिलेगा लेकिन ये जो टैंक है आपको मेटल का मिलने वाला है। अभी हम देख लेते हैं इसका फुल व्यू। सो ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये शहर में तो बहुत कम सेल होती है लेकिन आपको गांव एरिया में बहुत ज़्यादा ये बाइक सेल होती है, उधर इसकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग अर्बन एरिया मतलब सिटी से देख रहे हो या फिर विलेज एरिया से देख रहे हो। और ये रही इसकी टेल लाइट, काफ़ी प्यारी टेल लाइट है दोस्तों। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, LED है। यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका रियर का मडगार्ड बोल सकते हो, अगर इसमें अलग से टायर अगर लग जाता तो और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है बाइक। सो ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में,
इंडिकेटर आप देख सकते हो, सारी गार्ड आपको मिल जाएगा, पूरा मेटल का रहने वाला है, चैन कवर आपको ठीक ठाक मिलने वाली है, सस्पेंशन आप देख सकते हो, सीट कवर पे आपको सेम स्टिकर वर्क देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर जैसे हमने वहाँ देखा था अपाची की ब्रांडिंग, राइडर फुटरेस्ट, गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिलने वाला है, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं, साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, और साथ में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर दिया गया है। एंड यहाँ पे टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी इंजन काउल पे, और ऊपर जाते हैं यहाँ पे देखो, ये रहा इसका इंजन, ऐसा कुछ दिखने वाला है, सेम डिजाइन कैरी फॉरवर्ड किया गया जैसे हमने राइट साइड से देखा था। सो ये रहा इधर का व्यू, ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट एंड कंफर्ट को लेके, तो सबसे पहले थोड़ा नजदीक आ जाओ, यहाँ पे देखो ये सीट काउल के पास ऊपर की तरफ आपको स्टीकर देखने को मिल जाता है, ऐसे कुछ ग्रैबल मिल जाएंगे जो कि पिलियर राइडर पकड़ के बैठेंगे पीछे की तरफ, तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, और आपको काफी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, जो कि आपको सिंगल सीट मिलने वाली, लेकिन आपको डुअल टोन में मिलने वाली है, अलग सा टेक्सचर रहेगा, ये थोड़ा रफ जैसा रहने वाला है, और रेड कलर की स्ट्रेचिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफी प्यारी सी है, इसके ग्राफिक्स को काफी अच्छा सूट भी कर रहा है। सो कंफर्ट की बात करें, काफी अच्छा आपको कंफर्ट मिलने वाला है, राइडर की बात करें, पिलियर राइडर की बात करें, फिलहाल मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ इससे, मैं बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5.9 फीट, मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया हूँ, मेरा पूरा पैर जमीन पे टच है, जिनकी हाइट है मेरे हिसाब से 5.3 के आसपास, वो भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं बिना मतलब किसी दिक्कत के साथ में, आराम से, बस थोड़ा हील ऊपर करना पड़ेगा एंड मैनेज करना पड़ेगा। ये बाइक लाइट वेट मतलब जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे वो भी चला सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी बाइक नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्ट राइडर को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा एंड क्लियर राइडर को काफ़ी अच्छा मिलने वाला, क्योंकि वैसे सीट बनाई गई है। इस बाइक को आप सिटी लेकर चलो या हाईवे पे लेकर चलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल इस बाइक को मैं ऐसे साइड पर लगा देता हूँ, और अभी हम बात कर लेते हैं इसके टैंक को लेके। टैंक आप देख सकते हो, आपको पूरा मेटल का मिल जाएगा, सिर्फ साइड फेयरिंग आपको फाइबर वर्क के साथ मिल जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ी स्टिकर वर्क देखने को मिल जाते हैं, फ्यूल कैप ऐसा कुछ ओपन होने वाला है, यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो आपको E20 का स्टिकर देखने को मिलने वाला है, तो नई वाली बाइक है E20 OBD2 के अपडेट के साथ में जो आती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 12 लीटर का साइज मिल जाएगा, और इसकी माइलेज की बात करें मेरे हिसाब से आपको 45 के आसपास मिलने वाली, बाकी तो डिपेंड करता है दोस्तों आप चलाते कैसे हो। दो की आपको मिल जाएगी टीवीएस की तरफ से, RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि ये देखने में काफ़ी कूल से लगता है। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको नया मीटर कंसोल मिलने वाला, जो कि कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पे आपका RPM मिल जाएगा, टाइम भी बताएगा अभी आपको इसमें, और यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्विच मिल जाएगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको अर्बन रेन एंड स्पोर्ट्स मोड मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको माइलेज एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, और मीटर कंसोल में आपको काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, बाकी अदर इंडिकेटर यहाँ पे आपको शो होने वाले हैं, सेट सेट आप यहाँ से कर सकते हो। डिटेल देखो, यहाँ पे भी आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, और यहाँ से भी आप सेट सेट कर सकते हो। और भी बात कर लेते हैं हैंडल बार की, थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, आपका सेल्फ ऑप्शन, मोड की आपको स्विच मिल जाएगी, एंड आपको स्पीड रेसिंग हैंडल बार मिल जाता है। इधर की बात के अपर डिपर इंडिकेटर और काफी लाउड है, ठीक ठाक है, और ये आपका पासिंग का एंड क्लच लीवर। तो दोस्तों आप लोगों ने आया 2023 मॉडल टीवीएस अपाची RTR 162 में क्या क्या आपको स्पेक्स फीचर्स मिल जाते हैं, जो थे यही थे। अभी आपको नया अपडेट देखने को मिलने वाला है, इसमें राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं एंड मीटर कंसोल में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बाकी सेम स्पेक्स फीचर आपको पहले वाले मिलते हैं। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग ये जरूर बताना किसके किसके पास ये बाइक है, कौन कौन लेना चाहता है। मैं यहाँ पे सीधे यही बोलना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो 160cc की ऐसी बाइक जिसमें आपको अच्छा खासा लुक मिल जाए, परफॉर्मेंस मिल जाए, एंड आप जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिल जाए, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, कंफर्ट तो आपको साथ में मिलते ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।